सो नेक्स्ट है बच्चे यूरिन फॉर्मेशन। उस दिन हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल है ना, ये था बोमन कैप्सूल। इसमें कौन सी आर्टरी आती है? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। मान लो इधर से एफरेंट आर्टरी लाइक चाहे इधर से इतनी इंच से भी, ये आर्टरियोल आके ब्रेक किसको होगी जी? बोमन कैपिलरीज में। ये जो डॉटेड लाइन से हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या है जी? कैपिलरी की वॉल है, कैपिलरी की थिन वॉल है। और निकलती क्या है यहां से? एफरेंट आर्टरियोल। आया क्या? एफरेंट आर्टरियोल। निकला क्या? एफरेंट आर्टरियोल। ब्रेक किसमें हुई है? ये कैपिलरी नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क को? ग्लोमेरुलस, है ना। ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, बहुत ही थिन लाइनिंग है। तो इसमें क्या आ रहा है? एफरेंट आर्टरियोल में क्या आ रहा है जी? ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या होगा? ब्लड में अगर हम देखें तो प्लाज्मा है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, आयंस है। आयंस मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। प्लस क्या है जी? ब्लड सेल्स है, प्लस प्रोटीन्स है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है, प्लस क्या है जी? वेस्ट। वेस्ट क्या है? यूरिया। किसमें बनाया? लिवर में। किसमें डाल दिया? ब्लड में। अब वो ब्लड फिल्टर होने के लिए यहां बनेगा किडनी में। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आई, ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से होता हुआ स्कैपुलरीज के पास पहुंचा। यहां पे इसमें क्या हो रहा है जी? फिल्टर। अब फिल्टर होने के लिए यहां पे ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं जी? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। यहां पे सेल्स कौन से हैं जी? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। ये क्या है? डॉटर लाइंस हैं एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। तो ग्लोमेरुलस के पास कौन से सेल्स हैं जी? एंडोथेलियल सेल्स जो कैपिलरीज के हैं। ये कौन से सेल हैं जो बोमन कैप्सूल के हैं? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स बोलते हो आप, बट ये सेल कौन से हैं जी? एपिथेलियल सेल्स। हम इनको क्या बोल सकते हैं? पोडोसाइट्स। इनके ऊपर आपको ऐसे फिंगर एक प्रोटेक्शन नजर आती है, बट बीच में दो एडजेसेंट सेल के बीच में क्या है? गैप। इन गैप्स को हम बोलते हैं स्लिट्स। इन गैप्स का नाम क्या है? ये जो ओपनिंग्स आपको यहां से नजर आ रही है इनको हम क्या नाम देते हैं जी? स्लिट्स। तो ब्लड में क्या करना है? ब्लड के अंदर ये सब कुछ है जो ब्लड यहां से एंटर कर रहा है। तो ब्लड में यहां पर फिल्टर होना है। तो यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है दोनों सेल्स के बीच में, यहां पे एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी के रेस्ट करते हैं। वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कैपिलरीज के सेल्स क्या करते हैं? रेस्ट। तो आपको दिखाई यहां पे नहीं दे रहे वो सेल्स, बट वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स क्या कर रहे हैं? रेस्ट। तो यहां से ब्लड में जब फिल्टर होना है तो कितने सेल्स की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा? तीन सेल्स की लेयर होगी ना। एक कैपिलरी के सेल्स खुद, इनका नाम क्या है? एंडोथेलियल सेल्स। एक यहां पे बीच में कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसका सेल। और तीसरा किसका सेल?
बॉमर कैपिल का सेल, ये किसका सेल है जी? बॉमर्स कैप्सूल। और तीसरे सेल किसके हैं जी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीन सेल्स की लेयर है, मतलब बहुत ही थिन सरफेस है। तीन सेल्स की लेयर कोई बहुत ही थिक सरफेस नहीं है कि आपके ब्लड के फिल्टर को पास करके यहां पहुंचना कोई मुश्किल हो। तो ब्लड ने यहां पे क्या होना है जी? फिल्टर थ्रू थ्री लेयर्स, और दीज थ्री लेयर्स जो है तीन, वो तीनों सिंगल सेल थिक है। कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स जो है वो भी सिंगल सेल है, बेसमेंट भी सिंगल सेल लेयर है, और आपकी जो एपिथेलियल सेल्स है बाउमन कैप्सूल के वो भी क्या है जी? सिंगल सेल। तो अब जो फिल्ट्रेशन होनी है वो यहां से होनी है, ब्लड ने फिल्टर होके यहां से स्लिट्स के थ्रू ब्लड क्या हो जाएगा जी? फिल्टर। अब फिल्टर क्या नहीं हो पाएगा? कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल से जो बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो आपके ब्लड के सेल्स हैं, ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे। ये कहां रह जाएंगे? ब्लड में। ब्लड यहां पे क्या करेगा? ब्लड तो कॉन्स्टेंट मोशन में है ना, ब्लड इधर से आ रहा है और यहां से चलता जा रहा है, और ब्लड यहां से निकल गया, जिस जगह पर फिल्ट्रेशन होनी है ब्लड वहां से आगे चला गया, बट जाते जाते क्या फिल्टर कर गया? जो चीज यहां से निकल सकती है। क्या निकल सकता है? इन दो चीजों को छोड़ के सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। ब्लड में पानी है तो वाटर इधर आ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज भरा हो सकता है पानी में, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कौन से? सोडियम, पोटाशियम, एच पॉजिटिव, के पॉजिटिव, कुछ भी, कैल्शियम, ठीक है। प्लस साथ में क्या है जी? जो मेन चीज हमें बाहर निकालनी है वो क्या है? यूरिया हो गया, यूरिया भी ब्लड में है, वो सब कुछ फिल्टर हो गया। जब सब कुछ फिल्टर हो जाए एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थ्री स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। यूरिन फॉर्मेशन में हम तीन स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एट बॉमन्स कैप्सूल व्हेन ब्लड एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड आर फिल्टर्ड आउट एंड क्रॉसेस दीज थ्री सेल्स लेयर्स एंड एंटर्स इनटू द बॉमन्स कैप्सूल। सो दैट मींस बाकी जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स से वो लेके आगे चला गया। इसके बाद आपको पता ही कि क्या होगा, अगर आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ी है तो ये इफेंट आर्टियोल आगे जाके वासा रेक्टा बनेगी, और वासा रेक्टा फिर से वेन्यूल बन के मेजर वेन बन के बाहर जाएगी। सो फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, ये वाला ये फिल्टर हुआ, आप बोल सकते हो कि थ्री वॉल के थ्रू अगर हुआ है, बट एक्चुअल में फिल्ट्रेशन ही बोलेंगे, एक्चुअल वर्ड फिल्ट्रेशन ही आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आपको दे रहे हैं, और ये कितनी होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? एक मिनट में 125 ml ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? फिल्टर। तो एक घंटे में कितना होगा? 90. इसको हम बोलते हैं जी एफ आर। व्हाट इज जी एफ आर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मैं आपको बता रहा हूं एक मिनट में कितना, 125 ml, एक घंटे में कितना हुआ? एक घंटे में कितना हुआ? 125 ml, 2500। पक्की बात है? 75 00 दैट मीन 7500 ml। एक दिन में कितना हुआ?
एक दिन में कितना हुआ? कैलकुलेटर ले लो आपके, जरूरी नहीं हो रहा बस की बात नहीं है ये। सर वेडिंग है वाले आपकी किडनी एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर कर देती है जी? 125 ml/min। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बन जाएगा एक दिन का? 180 liter/day। That is ultra filtration rate of kidney. Your kidney can filter 180 liter of your blood in one day. अब आप बोलोगे कि मेरे अंदर तो 180 liter blood ही नहीं है जी, तो कहां से फिल्टर हो गया? मेरे पास तो 5 liter है। वही ब्लड वापिस आता रहता है बार बार, जो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड है 5 लीटर, वो बार बार पूरे दिन में किडनी से देखो कितनी बार निकलेगा कि 180 लीटर फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे दिन में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कितनी हो जाती है? ये तो एक नेफ्रॉन है ना, ऐसे पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपकी किडनी में है। हम सभी नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो 180 लीटर आपका बहुत लार्ज अमाउंट है, हैवी अमाउंट है। तो यहां से जो चीज यहां आ गई, इस सारी चीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट। दिस इज आर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो कंटेंट हमारे पास यहां आ गया, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस, यूरिया, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हमारा यहां आ गया। ये क्या है जी? दिस कॉम्पोनेंट क्या है, इसका नाम ये क्या है? पी सी डी। ये यू शेप क्या है? लूप ऑफ एनले। ये क्या है जी? डीसीटी। और ये क्या है जी? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। सो 180 लीटर जो यहां आया है, अगर ये हमने बॉडी से या ब्लड से क्या निकालना था, हमें सिर्फ क्या निकालना था? वेस्ट, यूरिया, ये निकालना। बट फिल्टर क्या हो गया? जो हमारे काम की चीजें हैं, हमारे काम का तो वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, आयंस भी है, ये हमारे काम की चीजें हैं। अगर ये सब कुछ हम वापस बॉडी ना खींचे तो ये सब कुछ कहां जाएगा? किसी भी यहां से लूप ऑफ फिल्ट्रेट कहां घूमती है? माइनर केलिक्स में। माइनर केलिक्स कहां जाएगा? मेजर केलिक्स। मेजर केलिक्स कहां जाएगा? पेल्विस। पेल्विस कहां जाएगा? यूरेट्रा। यूरेट्रा कहां जाएगा? यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर यूरेट्रा के थ्रू क्या जाएगा? बाहर। तो सब कुछ यहां से पास आ जाएगा। अभी तक आप ये समझो कि ये जो यहां पे जो आगे है ये यहां से बाहर जा सकती है, बट हमें इसको बाहर जाने से रोकना है। किसको रोकना है? इन सारी चीजों को रोकना है। और इसको क्या करना है? नहीं रोकेंगे हम। अगर हम इसको नहीं रीअब्सॉर्ब करेंगे तो बाहर चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन जो इस बच्ची की बात थी कि इसको हम अब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं, इसी वजह से वर्ड रीअब्सॉर्प्शन यूज किया गया है कि पहले सब कुछ अब्सॉर्ब हो गया। उसको बोलते नहीं है हम, बट वो एक तरीके से अब्सॉर्ब भी हुआ है, बट हम उसको बोलते फिल्ट्रेशन है। ठीक है, एक्यूरेट वर्ड फिल्ट्रेशन है। तो रीअब्सॉर्ब, री वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि सब कुछ पहले अब्सॉर्ब हो गया था, अब उसको वापिस ला रहे हैं। वापिस कहां ला रहा है? मैं आपको सिर्फ यहां पे बताऊंगा कि यहां से पीसीबी से बाहर आएगा। अब पीसीबी की ये वॉल है, आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे अरे मैंने खुद करवाया आपको नहीं करवाया। चलो यहां पे जो सिंगल वॉल होती है ना, कौन से सेल्स होते हैं? अगर आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे ना आपको ऐसे सेल्स नजर आएंगे, मतलब ये जो डक्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स हैं ये भी सिंगल लेयर थिक हैं।
तो अगर ये सिंगल लेयर थिक है तो इसमें फिर फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो ये फिल्ट्रेट सारा कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। वाटर कहाँ आना है, यहाँ पे। अमीनो एसिड कहाँ आना है, यहाँ पे। ग्लूकोज कहाँ पे आनी है, यहाँ पे। सोडियम कहाँ आना है, यहाँ पे। सब कुछ यहाँ आना है। ये सब कुछ जब पीसीटी से पास होगा तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। रीअब्सॉर्ब होने का मतलब ये है कि यहां से ये समझ लो कि बाहर आ रहा है। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि बाहर आ रहा है। बाहर कहां आ रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जाएंगे तब देखेंगे कि कहां आ रहा है वो बाहर। तो यहां पे बाहर आने का अभी के लिए मतलब ये समझो कि ब्लड में आ रहा है वापिस। हालांकि ये ब्लड में नहीं जा रहा, अभी अभी ये जा रहा है मेडुलरी फ्लूइड में। ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है ये सारी स्पेस इन टेब्यूल्स के आसपास, ये जो जितनी भी स्पेस आ रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी फ्लूइड। व्हाई मेडुलरी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, इसको हम मेडुलरी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं। आपने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी है? यस सर। नेफ्रॉन कहाँ पड़ा होता है? मेडुला में। तो व्हाई मेडुलरी फ्लूइड, तो ये मेडुला का रीजन है। ये ऊपर कॉर्टेक्स है, ये नीचे वाला हिस्सा जिसमें लूप ऑफ फिंगले ये क्या है, मेडुला। तो अगर ये मेडुला है तो यहाँ पे फ्लूइड होगा। इस फ्लूइड का नाम क्या है, मेडुलरी फ्लूइड। तो यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं हो रहा, एक पैसिव प्रोसेस होना है। वाटर अंदर क्या है, ज्यादा। मेडुलरी फ्लूइड में क्या है, कम। तो वाटर क्या करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये अमीनो एसिड अंदर क्या है, ज्यादा। बाहर क्या है, कम। तो वाटर क्या करेगा जी, यहां आ जाएगा। अमीनो एसिड क्या करेंगे जी, बाहर आ जाएंगे। ग्लूकोज क्या करेगा जी, बाहर। सोडियम क्या करेगा जी, बाहर। पोटाशियम क्या करेगा, बाहर। कैल्शियम क्या करेगा, बाहर। दैट इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। ये अभी ब्लड में नहीं आए, ये किस में आए हैं, मेडुलरी फ्लूइड में। मेडुलरी फ्लूइड से यहां जाएंगे कहां पे, ब्लड में। कैसे जाएंगे ब्लड में, कैसे जाएंगे, ये देखो ये क्या कर रही है, ये यहां पे क्या बनाती है, नेटवर्क। ऐसे ही बनाती है नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाएगी यहां पे ऐसे। तो ये सब कुछ इसमें चला जाएगा। अब आप समझो कि ये सब कुछ इसमें क्यों जाएगा, क्योंकि तो कंसंट्रेशन कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहां पे ये आ तो यहीं से रही है, इसने सब कुछ यहां पे खो दिया। तो इसमें ब्लड के अंदर इन सारी चीजों की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। मेडुलरी फ्लूइड में ये कहां से है, यहां से। तो मेडुलरी फ्लूइड में इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है ये, वाटर माइनो एसिड ग्लूकोज किसमें चले जाएंगे, जो इफ्रेंट आर्टेरियोल कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो सब कुछ कहां चला गया, वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा के अंदर क्या है, ब्लड। ये सब कुछ आया कहां से था, ब्लड से। वापिस कहां चला गया, ब्लड में। तो ब्लड ने कुछ भी लॉस नहीं किया, ब्लड का तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ ना। ब्लड ने, बड़ी सिंपल सी चीज है, आपके घर वालों ने आपको इंस्टीट्यूट के सामने ड्रॉप किया, यू टर्न लेके आए और वापस पिक कर लिया। ये समझ लो कि आप दो भाई हो, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, दोनों को ड्रॉप किया, यू टर्न लेके आए, एक को इंस्टीट्यूट में छोड़ दिया, दूसरे को लेके छोड़ा। किसको, वेस्ट को, जो काम का नहीं है उसको छोड़ दी, रख लो इसको, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो चीजें काम की थी, अगर आप काम के हो तो आपको वापस ले गए, किसकी हमें जरूरत है अभी, किसको हमारे साथ आना। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है ये, ब्लड ने यहाँ पे सब कुछ लॉस किया और यहां से उठा लिया, सिर्फ किसको, क्योंकि यहां से क्या फिल्टर नहीं हुआ, यूरिया। तो जब यूरिया बाहर ही नहीं आया, यूरिया कहां रह गया, यूरिया तो यही रह गया। तो अगर यूरिया यही रह गया, मेडुलरी फ्लूइड में आया नहीं, तो वो वासा रेक्टा में नहीं गया, अगर वो वासा रेक्टा में नहीं गया तो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो है बच्चे, पीसीटी, आवाज बच्चे, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अप्रोक्सीमेट 70%,
सारा कंटेंट यहाँ पे यूज नहीं हो गया, यहाँ पे 70% वाटर बाहर आया, 30% पानी अभी मिक्स में है, 30% अमीनो एसिड ग्लूकोज सब कुछ अभी भी इसमें है, तो 30% भी बहुत हिस्सा है, हमें उसको भी वेस्ट नहीं होने देना, हमें उसको भी रिजॉल्व करना है। बट वो पीसीटी में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, वो जब नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएंगे वहां पे देखेंगे। तो पीसीटी में रिजॉल्वेशन आपको क्लियर है? तुक्के मारेगा उसके किडनी दो इंपॉर्टेंट काम आपकी बॉडी में वेस्ट फेंकने के अलावा क्या करती है, आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन करती है, आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन करती है। पीएच कैसे मेंटेन होगी, पीएच किसकी वजह से होती है, और इस पीएच किसकी वजह से होती है, क्या है पीएच, पीएच की पता है फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ तो फिर क्या क्या मतलब क्या करती है किडनी, पढ़ी नहीं करते केमिस्ट्री में पढ़ते बच्चे, यहाँ पे एक बात समझो, अगर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस बाहर जा रहे हैं यहां से आयंस सेक्रीट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अंदर ही ज्यादा हो और बाहर कम हो, ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ अंदर ही ज्यादा हो और बाहर कम हो। मान लो एच पॉजिटिव आयंस यहां पे ज्यादा है तो क्या होगा, अगर एच पॉजिटिव आयन यहां पे ज्यादा है तो क्या है, मैमली फ्लूड की पीएच क्या है, कम है कि ज्यादा है, पीएच ज्यादा है कम है, पीएच अगर एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा है यहां पे तो बाहर पीएच कम है कि ज्यादा है, कम है, एसिडिक है, तो ये क्या हो सकते हैं, अंदर क्यों जा सकते हैं, अगर ये अंदर जाएंगे तो ये यहां से बाहर जाएंगे आपकी बॉडी से, एच पॉजिटिव आयन सिक्रीट होंगे, तो किडनी ये देखती है कि मेरी बॉडी में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो उसको सिक्रीट किया जा सकता है। ये सब तो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बट ये उल्टा चला हुआ है, ये पीसीटी के अंदर जा रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे पीसीटी से लूप ऑफ यूरिन से होते हुए बाहर फेंक दो यूरिन के साथ, तो दैट मींस मेरी बॉडी की पीएच भी कौन कंट्रोल कर रहा है, किडनी। पीएच कंट्रोल करना मेन काम है आपकी किडनी का। ये उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन बाहर ही ज्यादा हो, अगर एच पॉजिटिव अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, बाहर पीएच क्या हो रखी है ज्यादा, उसको ठीक करने के लिए एच पॉजिटिव क्या होंगे, रीअब्सॉर्ब। तो ये पीसीटी और किडनी ने देखना है कि एच पॉजिटिव आयन को सिक्रीट करना है, जैसे यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है एच पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है आपकी बॉडी से, या एच पॉजिटिव आयन को क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। तो किडनी एक तो यूरिया बाहर फेंक ही रही है, साथ में दूसरा काम क्या कर रही है जी, पीएच को कंट्रोल करती है, एच पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है आपकी किडनी का। सो दिस इज द फर्स्ट रोल जो है पीसीटी प्ले करती है, किसमें जी, रीअब्सॉर्प्शन। अब हम देखते हैं रोल ऑफ लूप ऑफ विंडर इन रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन में लिख लो बच्चे, हमने रीअब्सॉर्प्शन को देख लिया पीसीटी में क्या होता है ना, तो पीसीटी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आया था वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो गया, सोडियम पोटाशियम अमीनो एसिड ग्लूकोज, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है कितने परसेंट की, 70%। बट अभी 30% हमारा जो ब्लड का कंटेंट है वो इसमें है, ये लूपोफिनल, लूपोफिनल के दो पार्ट है, ये थिक लिप है ऑफ लूपोफिनल, ये क्या है जी, थिन लिप ऑफ लूपोफिनल, लूपोफिनल के ये दो पार्ट है, थिक लिप ऑफ लूपोफिनल है, थिन लिप ऑफ लूपोफिनल। और अगर हम आगे देखें तो ये जो लूपोफिनल का पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब, क्योंकि ये क्या कर रही है, नीचे जा रही है, और ये क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, ये क्या है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफिनल। असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफिनल, लूपोफिनल ठीक है, ये क्या है जी, कोई है
डिसेंडिंग थिक लिंब ऑफ लुपोफिनल, ये है डिसेंडिंग थिन लिंब ऑफ लुपोफिनल। तो यहां पे सब कुछ ही है बच्चे, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में वॉटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस एंड यूरिया, ये सब कुछ ही नीचे आ गया। जो हीमोग्लोबिन होना था हो गया 70%, 30% वो कहां आ गया, नीचे नीचे। अब ये जो लूप ऑफ फिनल है इससे भी रीअब्सॉर्प्शन होनी है मटेरियल की, बट ये जो डिसेंडिंग लिंब है ना ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को परमीएबल है, मतलब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहां से जा रहा है तो इन सब में से सिर्फ क्या बाहर आ सकता है, वाटर, क्योंकि ये वाले जो सेल्स यहां पे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको परमीएबल है, वाटर को। तो बाकी जो चीजें हैं आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो सब कुछ यहां से बाहर नहीं आ सकते। और ये जो लिंब है लूप ऑफ फिनल की, जो सेंडिंग लिंब जो ऊपर जा रही है, ये उल्टा काम करती है, ये सिर्फ वाटर को ही परमीएबल नहीं है, बाकी सारी चीजें यहां से बाहर जा सकती है। तो बाकी सारी चीजों में मेनली ये जो है ये NaCl के लिए, सोडियम क्लोराइड, जो क्लोराइड है भी यहां पर हो सकता है, आयन सारे हो सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या बाहर जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये यहां से वाटर बाहर नहीं आ सकता और यहां से आयन बाहर नहीं आ सकते, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन यहां पे भी होगी, आयन की रीअब्सॉर्प्शन यहां पे होगी, यहां पे जाते जाते सोडियम ऐसा जुड़ने की इकट्ठे बाहर आ रहे हैं NaCl को, ये लगभग भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका फिल्ट्रेट कहां चला गया जी, डीसीटी के पास। डीसीटी के पास सब कुछ सेम ही होता है जो पीसीटी में होता है, डीसीटी में सब कुछ सेम ही होता है जो कहां पे होता है, पीसीटी में। मतलब डीसीटी में भी वाटर बाहर जा सकता है, अमाइनो एसिड बाहर जा सकते हैं, ग्लूकोज बाहर जा सकता है, आयंस बाहर जा सकते हैं, और डीसीटी चाहे तो कुछ आयंस को स्क्रीन भी कर सकती है। मतलब मान लो एच पॉजिटिव आयन को, क्योंकि यहां पे भी एच पॉजिटिव क्या हुए थे, अंदर आए थे, ज्यादा है इसलिए अंदर आ रहे हैं, और अभी भी ज्यादा है तो क्या करेगा एच पॉजिटिव, अंदर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इन सब की क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन। एच पॉजिटिव की क्या हो रही है, सिक्रीशन। एच पॉजिटिव की क्या हो रही है, सिक्रीशन। दो चीजें अभी तक सिक्रीट होती हुई नजर आ रही है इस पूरी डायग्राम में, कहीं से भी यूरिया बाहर नहीं आया, तो यूरिया सिक्रीट हो रहा है और एच पॉजिटिव अंदर जा रहा है, मतलब वो भी प्लेटिन डक्ट के थ्रू बाहर जाने वाला है। तो दैट मींस यूरिया और एच पॉजिटिव की क्या हो रही है, सिक्रीशन, क्योंकि यूरिया अभी तक बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ और एच पॉजिटिव रीअब्सॉर्ब होने की वजह से क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एच पॉजिटिव को हमें रीअब्सॉर्ब करना ही है, क्योंकि एच पॉजिटिव ऑलरेडी बाहर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो रखी है, लो। तो हमें पीएच को किडनी ने मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो इसी वजह से वो एच पॉजिटिव को क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है। लास्टली हम कहां पहुंचे जी, हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहां पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट। मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्प्शन यहां पे होती है, 180 लीटर आपने फिल्टर किया और रीअब्सॉर्ब करके 99% जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया, 99% क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब, 1% रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ वो हमारी बॉडी से बाहर गया। दिन में यूरिनेशन करते हैं तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो बाहर जाता है, और यूरिन में ज्यादातर क्या होता है, पानी। यूरिया तो सिर्फ 20 से 25 ग्राम होता है, एक दिन में हम कितना यूरिया बाहर फेंकते हैं, 20 से 25 ग्राम, वो किस में डिसॉल्व करके फेंकते हो, वाटर में। वाटर में यूरिया डिसॉल्व है तभी तो यूरिन बनता है। कितना वाटर बाहर फेंकते हो एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर। फिल्टर कितना होता है एक दिन में, 180 लीटर। कितना रीअब्सॉर्ब कर लिया, 178.5 लीटर आपने क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो लास्ट स्टेप इसमें क्या आएगा जी, थर्ड स्टेप, दैट इज जो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा,
सेक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। तो यहां से बच्चे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा सा बिल्कुल ही मामूली सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है आवाज नहीं मुझे, यहां से थोड़ा सा यूरिया क्या होता है रीअब्सॉर्ब, बिल्कुल ही थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है। क्यों? ताकि सल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर मेंटेन की जा सके। किसमें? ये क्या है? मेडुलरी फ्लूइड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारी स्पेस क्या है, मेडुलरी फ्लूइड है। मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ जो बाहर आ रहा है कहां आ रहा है, मेडुलरी फ्लूइड में। मेडुलरी फ्लूइड से कहां जाएगा? वासा रेक्टम। ठीक है, तो यूरिया बाहर क्यों आया? यूरिया तो हमें रीअब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए था, यूरिया को तो बॉडी से बाहर फेंकना है। तो यूरिया को आपकी बॉडी क्यों रीअब्सॉर्ब कर रही है? सारे को नहीं कर रही, थोड़ा सा। यहां पे आप बात समझ रहे हो कि सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहा है, आयंस बाहर आ रहे हैं, यहां पे आयंस बाहर आ रहे हैं। इन आयंस के बाहर आने से बेनिफिट क्या होता है पता है आपको? कि आयंस क्या एक्ट करेंगे? सल्यूट। अगर सल्यूट एक्ट करेंगे तभी पानी बाहर आएगा ना, अगर बाहर सल्यूट ज्यादा है तभी पानी यहां से बाहर आएगा। मैं वाटर को कैसे रीअब्सॉर्ब कर सकता हूं अगर बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा? ऑस्मोसिस आप सभी ने पढ़ा है ना, सल्यूट पानी खींच लेता है। जितनी ज्यादा बाहर कंसंट्रेशन रहेगी सल्यूट्स की उतना ही ज्यादा पानी क्या कर पाओगे? रीअब्सॉर्ब कर पाओगे। अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ही बाहर कम है तो पानी बाहर आएगा नहीं आ पाएगा, तो पानी क्या होगा आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। अगर आपकी बॉडी से उतना पानी बाहर जाएगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये सल्यूट्स जितने भी हैं ये सारे सल्यूट्स हैं, ग्लूकोज ये भी सल्यूट है, ये भी सल्यूट है, ये भी सल्यूट है, ये सोडियम। ये सल्यूट का क्या सेटअप हो रहा है? ग्रेडियंट सेटअप हो रहा है। यूरिया का बाहर निकालने का पर्पज क्या है? ताकि ज्यादा सल्यूट मेडुलरी फ्लूइड में रहे। जितना ज्यादा सल्यूट मेडुलरी फ्लूइड में रहेगा उतनी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन क्या होगी? ज्यादा। उतनी आपकी बॉडी पानी को कंजर्व करेगी, आपकी बॉडी से पानी कम बाहर जाएगा तो आपकी डिहाइड्रेशन बच जाएगी। तो यूरिया इसी वजह से यहां पे बाहर आता है। मेनली ग्रेडियंट कौन बनाता है? दो ही चीजें मेन ग्रेडियंट बनाती है, NaCl एंड यूरिया। ये दो मेन सॉल्यूट हैं जिसने मेडुलरी फ्लूइड के अंदर क्या करना है? ग्रेडियंट को सेटअप करना है। आपकी बुक पे डायग्राम होगी, उस पर आप क्लियरली देखोगे। उसमें ऐसे चार लाइंस लगी होगी, उसने लिखा होगा ग्रेडियंट कि यहां पे मान लो जी 300 है मोलर कंसंट्रेशन में लिखा होगा पर लीटर, ठीक है। यहां पे 600 है, यहां पे ऑस्मोलरिटी, ये क्या लिखा हुआ है? ऑस्मोलरिटी। यहां पे 900 है और यहां पे ऑस्मोलरिटी कितनी है? ऐसे लिखा होगा ना, ऑस्मोलरिटी मोल पर लीटर। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑस्मोलैरिटी। बड़ी ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मीन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है? 300। मतलब सॉल्यूट बाहर क्या है? कम है, तो पानी कम बाहर आएगा। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? लूप ऑफ इंजन से सबसे ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होता है। उसका रीजन है क्योंकि जिस जगह पे लूप ऑफ इंजन होती है, लूप ऑफ इंजन मेडुला में डीप होती है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ये जो है बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये कॉर्टिकस कॉर्टेक्स के रीजन में होते हैं किडनी में, और लूप ऑफ इंजन क्या होती है? मेडुला में। मेडुला में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, 1200 है। ऑस्मोलरिटी क्या है? ज्यादा। जितनी ज्यादा ऑस्मोलरिटी उतना पानी बाहर ज्यादा आएगा। यूरिया को बाहर निकालने का, यहां से यूरिया को बाहर निकालने का पर्पज ही है। पर्पज सुनिए, यूरिया को जानबूझकर बाहर निकाला गया सिर्फ यहां से कलेक्टिंग से मेडुला के रीजन में, ताकि मेडुला में सबसे ज्यादा ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स की जो है वो बनाई जा सके। जितनी ज्यादा ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स होगी उतना पानी ज्यादा बाहर आएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यूनिफॉर्मेशन में बच्चे की, क्या क्या होता है यूनिफॉर्मेशन के अंदर। इसी के साथ रिलेट करता है छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम इसके साथ ही ऐड करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन यूनिफॉर्मेशन। यूनिफॉर्मेशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है।